नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी सैटे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब से और आज से वीडियो का सिलसिला चालू होगा। दोस्तों, अब ये पॉडकास्ट एक न्यू चैनल लॉन्च करने जा रहा हूं मैं, जिसकी शुरुआत मैं अपने सैंडीटेक चैनल से ही स्टार्ट करूंगा। इसके बाद मैं धीरे धीरे करके अपने इस चैनल को एक न्यू शक्ल दूंगा और पॉडकास्ट पर मैं सच्ची घटनाओं पर कुछ स्टोरी सुनाऊंगा, बताऊंगा दोस्तों। लेकिन मोस्टली कोशिश मेरी ये रहेगी कि एक चलती हुई गाड़ी में ये वीडियो बनाऊं मैं आपको, और इसके बाद उसमें अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। तो दोस्तों, कहानी इस तरीके से शुरू होती है कि किस तरीके से एक डब्बे वाले की बेटी, जो एक महाराष्ट्र में रहती है, मुंबई में, वो किस तरीके से एक पूरा उसका जो कुनबा, उसका यानी पूरी जो फैमिली थी उसकी, किस तरीके से किसी शरीफ आदमी को एक तरफा प्यार में फंसा के उसके पूरी तनख्वाह किस तरह से लूट लेती है। यहाँ तक कि उस स्टोरी के अंदर मैं आपको बताऊं कि ये रियल स्टोरी बता रहा हूं दोस्तों, और किस तरीके से उसकी पूरी उसकी दो शादियां होती हैं लड़के की, और दोनों शादी उसकी बर्बाद कर देते हैं वो लोग। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू होती है लखनऊ से। जिस आदमी की स्टोरी सुना रहा हूं, एकदम सच्ची घटना है, ये शुरुआत होती है लखनऊ से। तो दोस्तों, क्या होता है कि सन 2005 में उस लड़के को एक ऑफ़र लेटर मिलता है और एक MNC कंपनी में 7 लाख रुपये का पैकेज उसे मिलता है। तो 2005 में अच्छी खासी रकम होती है, 7 लाख का पैकेज, एनुअल पैकेज। तो दोस्तों, उसका ट्रांसफ़र होता है मुंबई, तो लड़का मुंबई चले आता है। तो दोस्तों, शुरुआत में ये है कि उसकी जो 3 बहनें हैं, तीनों की शादी हो चुकी हैं, और ये सबसे बड़ा भाई होता है, जिसकी वजह से उसकी शादी लेट होती है कुछ किसी भी कारणों से, कि पहले बहनों की शादी हो जाए फिर भाई की शादी होगी आखिरी में। तो 3 बहनों का ये इकलौता भाई और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, तो दोस्तों ये चले आता है मुंबई नौकरी करने। तो आपको पता है जैसे कि मुंबई के अंदर दोस्तों, बिना पगड़ी लिए हुए, यानी पगड़ी क्या होता है कि जब आप कोई मकान लेने जाते हैं मुंबई के अंदर, तो 2 या 3 महीने का आपको एडवांस में किराया देना होता है। तो दोस्तों, उसके ऑफिस में वो पता करता है कि कहीं से कोई कमरा मिल जाए, तो जब रेट पता करने जाता है तो बहुत महंगा किराया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये किसी डब्बे वाले को पकड़ता है और उसे बोलता है, भैया मुझे किराए पे मकान चाहिए। तो वो क्या करता है कि अपने घर में ही उसे एक कमरा दे देता है, और क्या करता है कि उसे सुबह शाम खाना पीना सब उसी के घर से उसको आने जाने लगता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि उसकी डब्बे वाले की एक बेटी होती है, वो क्या करती है, वो करीब उस टाइम में वो 14-15 साल की होती है। ये लड़का बहुत शरीफ होता है, धीरे धीरे करके इस लड़के की दोस्ती उस लड़की से नज़दीकियाँ बनने लगती है। देखते ही देखते दोस्तों, ये लड़की भी 2 साल गुजर जाते हैं। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों कि जब ये लड़की 17-18 साल की आसपास पहुँचती है, 15-16 साल की तो मैं बोल रहा था, लेकिन 18 साल के आसपास की मैं बताऊँ, जब लड़की पहुँचती है तो ये लड़की इस लड़के से इश्क लड़ाने लगती है। तो दोस्तों, इसी बीच में क्या होता है, लड़का भी उस लड़की के प्यार में धीरे धीरे अंधा हो जाता है, और अल्टीमेटली उसकी पूरी फैमिली इस लड़की के ज़रिए उस लड़के के पास किसी ना किसी तरीके से भेजा करती है कि भाई भेजा करते थे कि भैया ऐसा उससे कुछ पैसे मांग ला, भैया से कुछ पैसे मांग ला। तो दोनों में दोस्तों क्या होता है, लड़का वो देखता है कि भाई ठीक है, थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ, थोड़े बहुत पैसों से मदद कर दिया करता था। एक दिन क्या होता है, लड़का बीमार हो जाता है। जब एक दिन बीमार हो जाता है तो ये क्या होता है कि इसकी फैमिली के लोग जो उसकी बहुत सेवा करते हैं, एक हफ्ते बाद लड़का भला चंगा हो जाता है। तो दोस्तों, फिर ये उस लड़के का गलत भेजा इस्तेमाल शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस लड़की को भेज देंगे, कभी उसका बाप चले जाता है, कभी उसकी माँ चले जाती है कि भैया आज मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। ऐसे करते करते उसकी आधी सैलरी वो ले लिया करते थे। तो दोस्तों, 1-2 साल और गुजरते हैं, लड़की 20 साल के आसपास पहुंच जाती है, तो इनका इनका जो प्यार होता है वो परवान और चढ़ने लगता है। समय बीतता रहता है। इसी बीच में क्या होता है कि लड़का जब मैं कहूँ कि 29-30 साल की एज में पहुंचता है, इसी बीच में इसके घर वाले उसकी शादी किसी आसपास के शहर की लखनऊ में ही किसी उसकी शादी करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि लड़का मना करता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो इसे घर वाले ज़ोर दोस्ती करते हैं कि भैया तेरी एज निकलते जा रही, तू शादी कर ले।
लड़का तो भी शादी करने को तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों वक्त गुजरता रहता है, लड़का फिर भी कहता है कि जी मैं शादी करूंगा नहीं, लेकिन से घर वाले माँ बाप अपनी एज का वास्ता देते हैं, तभी लड़का शादी कर लेता है। लड़की अच्छी खासी होती है, लड़की डॉक्टर होती है बाय प्रोफेशन, एक डॉक्टर लड़की से इसकी शादी हो जाती है। तो दोस्तों कुछ समय बाद के लिए अपनी वाइफ को मुंबई लेके आ जाता है। इसके बाद दोस्तों सिलसिला क्या शुरू होता है कि शादी के समय की बात है, जब इसके फेरे डलने होते हैं, जब इसकी शादी की मतलब मैं कहूँगा कि जब एक दिन पहले ही तिलक था और उसके दूसरे दिन उसकी शादी थी लड़के की, तो उस दौरान क्या होता है कि ये अपने कमरे में बैठा होता है, तो उसका जो जीजा होता है रात को 2:30-3 बजे के आसपास पानी पीने उठता है, तो देखता है कि उसका साला यही जो लड़का है जो मुंबई में नौकरी करता है, ये 3-4 बजे तक किसी से बात कर रहा है। उस वक्त वो इग्नोर कर देता है, लेकिन सुबह अपनी वाइफ को बताता है, जो लड़के की बहन होती है उसको बताता है कि भाई तुम्हारा भाई किसी से 4 बजे तक बात कर रहा है, तो कोई लड़की का चक्कर है क्या? इस वक्त शादी होने जा रही है और 3-4 बजे तक तो भाई कोई आदमी लड़की से बात कर सकता है। तो लड़की बोल उसकी जो बहन होती है लड़के की वो बोलती नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं, मेरे भाई को कोई चक्कर वक्कर नहीं, कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो लेकिन फिर भी उसका जीजा अपनी उसके माँ बाप के सामने बोल देता भाई 3-4 बजे तक किससे बात कर रहे थे रात को? तो वो लड़का भी इग्नोर कर देता है, वो लड़का इग्नोर करता है कि और बना कर देता है जी मैं ऐसा किसी से, उसने बोला मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, तो बात वो इधर उधर कर देता है। तो दोस्तों अब वो क्या होता है कि जब 2-3 महीने बीत जाते हैं तो लड़की अपने उसी जो उसका जीजा होता है जिसने इसको रात को सुना था फ़ोन पे, उससे बोलती है कि ऐसा है कि भैया ये जो मेरे हस्बैंड हैं ये ढंग से रहते नहीं हैं, दाढ़ी नहीं बनाते, कपड़े प्रेस नहीं करते ढंग से, और ऐसे ही चले जाते हैं, कोई मतलब अपने अपने लुक को ढंग से शेविंग वगैरह नहीं करते हैं, अपने लुक को ढंग से संवारते नहीं हैं। तो बोलता नहीं आप करो, आप बताओ उसको। तो लड़की इस बारे में उसके जीजा को शिकायत करती है, तो उसने बोला कि ऐसा है कि आप उनकी बहन से बात करो या उनकी मदर से बात करो कि भाई ऐसा आप कपड़े दिला दो खरीद के। तो लड़का बोलती कि मैं जब इनसे बोलती हूँ तो बोलते मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसके घर वाले भी चौंकते हैं कि भाई पैसे तो ये इसको पूरे मिलते हैं, अच्छा खासा पैकेज भी है इसको, अब तो अच्छा खासा पैकेज हो गया, करीब 9 लाख के आसपास का पैकेज हो गया है, तो फिर भी ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो लड़के के माँ बाप उसके पास जाते हैं घूमने के लिए। दोस्तों लड़के के जब माँ बाप वहाँ घूमने जाते हैं तो लड़का वहाँ भी बहाना करने लगता है, धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगती हैं, लेकिन लड़की जो उसकी बीवी होती है लड़के की, वो देखती है कि उसका हस्बैंड रात को कभी 2-2:30 बजे उठ के चले जाता है, बात कर रहा होता है टेरेस पे जाके, कभी 3-3 बजे तक उसके पास नहीं आता है। तो इसी तरीके से बीतते थे 6 महीने आते हैं। तो दोस्तों लड़की को शक होने लगता है कि इसका ज़रूर कहीं चक्कर है। तो लड़की अपने माँ बाप को बुलाती है और सारी कहानी सुनाती है उनको कि भैया ऐसा मेरा हस्बैंड अपने केयर भी नहीं करता है, ऐसे ही रहता है, दाढ़ी बढ़ा के रहता है और उससे कोई संबंध भी नहीं स्थापित करता है, तो ऐसी क्या वजह है? तो उसके माँ बाप लड़के से बात करते हैं तो वो भी लड़का उसको भी इग्नोर कर देता है। तो एक दिन क्या होता है कि ठीक शादी के 6 महीने बीतते हैं, 7वें महीने में लड़की का भाई घर वहाँ बॉम्बे पहुँचता है और वहाँ से उसका लड़की का सामान पैक करता है और लेके सीधा लखनऊ चला आता है अपनी बहन को। और दोस्तों इसके बाद वो एक कोर्ट में केस फाइल कर देता है। तो दोस्तों यहाँ उसका पहला तलाक लड़के का तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 3-4 साल लगते हैं, 3-4 साल बाद लड़के का तलाक हो जाता है। लेकिन इसी बीच में लड़की इस पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाती है कोर्ट के अंदर कि ये नपुंसक है या केयरलेस आदमी है, किसी पत्नी को रखने नहीं आता इसको, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है जो नॉर्मली एक कोर्ट में जो लड़की अपने हस्बैंड के अगेंस्ट बोल सकती है वो सब कुछ इसके अगेंस्ट कर देती है। दोस्तों उससे पहले क्या होता है कि
जब ये लड़का इसका इसका जो लड़की का भाई होता है जो कोर्ट केस करता है, तो वो क्या करता है कि पुलिस को लेके से घर पहुंच जाता है, इसके माँ बाप सबको जेल करवा देता है, लड़के को भी जेल करवा देता है। लड़का तकरीबन साल भर जेल में रहता है और उसके फादर भी करीब एक महीने जेल में रहते हैं, वो भी एक महीने बाद छूटते हैं। तो दोस्तों कहानी यहाँ ले दे के ख़त्म होती है, तकरीबन कुछ पैसे दिए जाते हैं करीब 7-8 लाख रुपए, और उसके बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों कहानी एक पार्ट ज़िंदगी की ये इसकी ख़त्म हुई। उस डब्बे वाली जो लड़की के चक्कर में इसकी पहले ज़िंदगी की कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इसी तरीके से जब 4 साल बाद उसका तलाक होता है लड़के का, तो फिर इसके माँ बाप इस पर दबाव डालते हैं। साल भर के बाद इसकी दूसरी शादी कर दी जाती है, वो भी लखनऊ के आसपास के शहर में शादी करते हैं। तो दोस्तों ताज्जुब की बात ये होती है कि उस लड़की के साथ भी तकरीबन ये यही व्यवहार करता है, और वो लड़की भी 6 महीने के बाद अपने घर चले आती है। तो लड़की से इसके जिया ने बात किया कि भाई ऐसे क्या वजह है कि आपने भी इसको तलाक देने की कोशिश की है, क्या वजह है, और वो भी इसको कोर्ट में केस दायर कर देती है। तो दोस्तों सब कुछ यहाँ चलता रहता है, इसी बीच में क्या होता है कि लड़की के माँ बाप भी लड़की के घर जाते हैं, तो उसको मना मनु के वापस ले आते हैं, उसकी दूसरी बीवी को, वो भी वहाँ पहुँच जाती है बॉम्बे। तो दोस्तों इसी बीच में पता चलता है कि लड़के के, मैं कहूँगा कि लिंग में कुछ दिक्कत होती है, उसकी कुछ चमड़ी होती जो जब सेक्स के दौरान उसका चमड़ी फंस जाता, चमड़ी में दर्द होता था जिसके से वो सेक्स नहीं कर पाता था, बात यहाँ पे पता चलती है। तो उसका वो ऑपरेशन कराता है, तो लोग समझाते हैं, उसके जीजा भी समझाते हैं उसको कि भाई आप इस तरीके से कीजिए कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। तो वो क्या करता है कि उसका ऑपरेशन करा के वो ठीक ठाक हो जाता है। इसी बीच में लेकिन क्या है कि डॉक्टर से जो उसकी वाइफ होती है, सेकेंड वाइफ होती है जो, डॉक्टर से कुछ बात करती है, तो पता नहीं कोई उसे कुछ क्या उसके दिमाग में डाल देता है कि भाई ये दोबारा बाप नहीं बन सकता। सरप्राइजिंगली लड़की के दिमाग में बात बैठ जाती है कि उसके बच्चे नहीं होंगे कभी भी, और वो उसको छोड़ देती है दोबारा। 3 महीने बाद उसका जो भाई होता है लड़की का, वो उसको अपने घर ले आता है और वो कोर्ट में केस ठोक देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी वही लड़की ने सेम कहानी बना के उसके अगेंस्ट डाल दिया। तो दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ चलती है, 3 साल बाद इसका यहाँ भी केस ख़त्म। तो दोस्तों जीजा का, उसका जो जीजा होता है लड़के का, फिर वो उस लड़की से बात करता है कि भाई ऐसी क्या वजह होगी कि आप इसे, तो बोलती है कि भैया ऐसा है कि ये कभी बाप नहीं बन सकते फ्यूचर में, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया है। तो दोस्तों सरप्राइजिंगली जो सेकेंड उसकी वाइफ होती है, वो कोई बहुत अमीर घराने से नहीं होती है, वो एक बहुत ही मध्यम फैमिली से होती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो 5 बहनों में सबसे छोटी बहन होती है, और जिससे इस लड़की की शादी हुई होती है। तो दोस्तों उस डब्बे वाली की वजह से और उस लड़की की वजह से उसके साथ भी वो वही व्यवहार करता है जो उस पहले वाली लड़की के साथ उसने किया था, जो उसकी पहली पत्नी के साथ, लड़की को टाइम नहीं देना और गंदगी की तरीके से रहना, और कभी उसे घुमाने लेके नहीं जाना, और कई चीज़ें, मतलब आप जो लड़की कह सकती है उसके साथ संबंध नहीं स्थापित करना। तो संबंध नहीं स्थापित करना उसकी वजह तो पता चल जाती है, तो उसका जीजा उसको समझाता है कि भाई इस तरीके से करेगा तो तेरी, अगर तूने पहले बता दिया होता तो हम तेरी मदद करते। लड़का बहुत शाई नेचर का था, उसने कभी कुछ बताया नहीं कि एक सेक्स की वजह से उसको डाइवोर्स देना पड़ा, लेकिन सेक्स ही सिर्फ एक कारण नहीं था दोस्तों, उसका कारण ये भी था कि वो जो लड़की थी डब्बे वाले की बेटी, उसने उसको इस तरीके से ग्रिप में ले लिया था कि उसको दोनों उसकी जो बीवियाँ थी भूतपूर्व, उसको मतलब मजबूर कर दिया दोनों लड़कियों को, कि उसने उसको दोनों लड़कियों को मजबूर कर दिया कि वो दोनों से तलाक लें। तो खैर कहानी जो है वो यहाँ ख़त्म होती है। तो दोस्तों तभी कुछ समय बाद ये पता चलता है कि उस लड़के ने उसी लड़की को, डब्बे वाले की बेटी को, बॉम्बे के अंदर 2 BHK का एक फ्लैट भी दिलाया,
और उसके पूरे पेरेंट्स उस फ्लैट में रह रहे हैं, और लड़का भी कभी इसके घर जाता तो वो उनके साथ रुका करता था उसी मकान में, और सबसे बड़ी बात है कि उस मकान की किस्त भी ये लड़का भरता था। दोस्तों कुछ समय बाद पता चलता है कि उस लड़के ने फ्लैट भी दे दिया उस लड़की को, और उस लड़की के बाप के नाम फ्लैट करने जा रहा था, तो उसके बाप को ये बात पता चल जाती है, लड़के के बाप को, और वो जाके उस फ्लैट को किसी डीलर के थ्रू वापस बेच देता है। और उसके बाद ये वापस लखनऊ आ जाते हैं, तो काफ़ी कसम वगैरह दिलाते हैं, उसके माँ बाप रोते गाते हैं कि तेरे को अभी भी चैन नहीं मिल रहा है, तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद तो की और हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहूँगा कि कभी भी आदमी को इस तरीके से चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, आदमी को अपने फैमिली को सबसे पहले देखना चाहिए, जिस वजह से दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी उस लड़के ने। और मैं कहूँगा कि ये सबके लिए एक नसीहत है कि एक तरफ़ा प्यार में कभी पागल नहीं होना चाहिए लाइफ में, ये स्टोरी यही बताती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं, फिर लड़के ने दोस्तों जब उस लड़की से भी तलाक हो जाता है, तो उस लड़के ने तीसरी शादी की। तो दोस्तों तीसरी शादी हुई उसकी, धूमधाम से हुई, और खैर उसकी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम थी वो तो ठीक हो गई, और उसके बाद उसको ज़िंदगी का एक सबक भी मिला। लेकिन सबक सबसे बड़ा ये मिला उसे कि उसने जो तीसरी शादी की वो भी किसी डाइवोर्सी लड़के से की थी। उस लड़की की भी शादी करीब मैं कहूँ बहुत ही कम एज में टूट गई थी, और मैं कहूँगा कि अब उसको बीवी तो मिली लेकिन वो भी उसी तरीके से तेज तर्रार थी, और देखते हैं उसका नतीजा क्या होता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरीके से नई नई वीडियो ला के देता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।